फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल द सैम्स किचन में। ठंड का सीजन है और मटर का मौसम है। अब ऐसे में कभी कुछ हो ही नहीं सकता कि हम मटर की कोई चीज ना बनाएं। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मटर की कचौरी। अब मटर की कचौरी कैसे बनती है, उसमें क्या क्या लगता है, चलिए आइए बताओ। तो आज मटर की कचौरी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं उसमें हम लेंगे मैदा, साथ ही साथ हम लेंगे मटर, क्योंकि बगैर इसके मटर की कचौरी तो बनी नहीं सकती। मैंने यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स और लिए हैं उसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं जीरे का, हरी मिर्च का, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और मैंने यहाँ पे बेसन का यूज़ किया है। साथ ही साथ मुझे और दो चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम यूज़ करेंगे हींग का और हम यूज़ करेंगे नमक और तेल का। चलिए स्टार्ट करते हैं मटर की कचौरी बनाने। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आटा मारने से, क्योंकि ये इसको हमको थोड़ा रेस्ट के लिए भी रखना रहता है। तो हमने पहले मैदे के अंदर थोड़ा सा इसमें ऐड किया सॉल्ट और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, जिसको देसी लैंग्वेज में मोइन भी बोला जाता है। ये मैंने ऑयल ऐड किया है। इसके बाद मैं अब इसको मिक्स करूंगा और इसकी मुट्ठी बनाने जितना कोशिश करूंगा। अगर ये मुट्ठी बन रही है तो फिर मैं इसमें पानी मिला के ऐड करूंगा इसमें और फिर इसका आटा मारूंगा। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगा और इसका एक आटा मार लूंगा और उसके बाद में मैं इस आटे को रेस्ट पोजीशन के लिए रखूंगा। ये आटे को हमें नरम मारना है और हमें बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट रखना है, देख रहे हैं आप। लगभग हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, हमने यहाँ पे पैन में हमें यहाँ बेसन को रोस्ट करना है। अब यहाँ मैंने पैन को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर रख दिया है। मैं इसके अंदर बेसन डालूंगा और बेसन को रोस्ट करूँगा, क्योंकि ये हमारे को जब मटर रहेगा उसको बाइंडिंग के लिए हमारा एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा। ओवर टू नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हम अपने मटर को पीसेंगे और मैंने यहाँ पे मटर लिया, तो मैंने यहाँ पे मटर को दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने अदरक और हरी मिर्ची को भी पीस के उसका एक पेस्ट बना लिया है। अब आइए कैसे अब हम स्टफिंग की तैयारी। मैं यहाँ पे पैन के अंदर ऑयल ले लूँगा, तेल गरम हो गया है, अब इसके अंदर मैं डालूँगा जीरा, साथ ही अब आएगा मेरा अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो। इसी समय मैं इसमें हींग डालूंगा साथ ही आएगी हल्दी, लाल मिर्च, आपको कितना तीखा खाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको मैं मिक्स कर लूंगा और जब एक बार ये हो जाएगा तो इसके अंदर मैं मटर को डालूंगा। अब इसमें इसके अंदर जाएगा मटर का जो पेस्ट बनाया था हमने वो। सही मायने में बोलूं ना तो ये वो स्टफिंग है जिस स्टफिंग से आप पराठे भी बना सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे और ये इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा जो बेसन जो हमने भून के रखा है वो। अब टाइम आ गया इसके अंदर बेसन के जाने का, जो हमने भून के रखा था मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच के आसपास यूज़ किया है। मैंने बेसन इसलिए मिलाया क्योंकि अगर मैं बेसन नहीं मिलाऊंगा और इसको डायरेक्टली जब मैं कचौरी के अंदर स्टफ करूंगा तो ये जो हमारा जो आटा रहता है ना उसको ये
मतलब वो जब जैसे मैं इसके अंदर डालूंगा तो फट जाएगा, और फिर आप बनाने जाएंगे कचौरी के लिए और आपका पूरा जो ऑयल है वो ख़राब कर देगा। इसीलिए हम बेसन को डालते हैं सो दैट वो बाइंड कर लेता है और ये उसको जो मैदे को पूरा होल्ड कर लेता है और उसको फटने नहीं देता। आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो है नमक, जिसके बगैर कोई भी चीज़ अपनी पूरी नहीं हो सकती। अब हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है और मैं इस स्टफिंग को अब एक प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रखूंगा। अब हमारा ये मटर वाला मिक्स ठंडा हो चुका है, अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो है हमारी स्टफिंग। ये मेरा इस तरह से मैं बॉल्स बनाऊंगा और इसको तैयार कर लूंगा और उसके बाद में मैं इसको स्टफ करूंगा मेरे मैदे में। अब कचौरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कचौरी फूलनी चाहिए। फूलने का एक बेसिक तरीका यह रहता है कि मैंने तेल को हल्का सा गर्म करने रखा है, उसके बाद में मैं इसको ठंडा करने रख दूंगा थोड़ा सा, है ना। तो ये अभी हल्का हल्का गर्म हो रहा है, अब मैं इसको बंद करूंगा और इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा। बाय दैट टाइम मैं अपनी कचौरी को रेडी करूंगा। इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ आटा लिया है क्योंकि आपकी कचौरी फूलने का एक बहुत अच्छा सा एक हैक कह सकते हैं आप। मैंने इसके अंदर इसको मिक्स किया, इसको हल्का सा जैसे हम मोदक बनाते हैं ना, हल्के हल्के हाथ का, और नीचे से हम इसको सपोर्ट देते रहेंगे सो दैट ये पूरे इसमें मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली। इसको गौर से देखिएगा क्योंकि इस बेसिस से आप बनाएंगे ना आपकी कचौरी फूलेगी। ऊपर का टिप तोड़ लिया, इसको मैंने यहाँ पे मिक्स किया। अब यहाँ पे मैं हल्के हाथों से कॉर्नर्स को लेके इसको शेप दूंगा। और आप देख रहे हैं ये शेप इस टाइप का शेप रहेगा। अब इस कचौरी का जो शेप है ये जब मैं इसको अंदर डालूंगा तो ये फूल के बाहर निकलेगा। अब फाइनल प्रोसेस, मैंने यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तेल को हमें ठंडा गर्म करते रहना है सो दैट इसमें फफोले नहीं पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कचौरी को हल्का सा प्रेस करके, आप देख रहे हैं कचौरी को हल्का सा बीच से प्रेस करते हुए मैं इसके अंदर इसको छोड़ दूंगा। सिमिलरली मैं ऐसी बाकी सारी कचौरियाँ छोड़ दूंगा और अब इंतज़ार रहेगा कि ये कचौरियाँ अपने आप ही ऊपर आए। अब आप देख रहे हैं ये अपने आप अब ऊपर की तरफ आने चालू हो रही है क्योंकि अब ये तैयार होना चालू होने लगी है। ऐसे ही अभी इसका प्रोसेस लेट चलेगा, इस एक चीज़ को बनने के लिए कम से कम 20-25 मिनट्स आपको स्पेयर करने पड़ेंगे, तब जाके बिल्कुल मार्केट जैसी खस्ता करारा कचौरी आपको मिलेगी। अब देख रहे हैं आप ये पूरी तरीके से ऊपर आ गई है, अब हम इसको पलट देंगे सो दैट ये प्रॉपर दोनों तरफ से, आप देख रहे हैं इसका क्रिस्प बिल्कुल खस्ता जैसे मार्केट में मिलता है। और बस ये फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे मैं अब गैस की आंच को थोड़ा बड़ा कर दूंगा क्योंकि हमारी कचौरी लगभग बनकर तैयार हो गई है। अब हमको सिर्फ हार्डली 2-5 मिनट और लगेंगे। अब हमारी कचौरी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है और मैं इसको अब निकालने जा रहा हूं। गैस हुआ बंद और प्लेटिंग की तैयारी शुरू। तो बनकर तैयार हो गई है मटर की कचौरी, एक यूनिक स्वाद जो ठंड में आपको चखना जरूर चाहिए। तो आप इसे खाएं, औरों को खिलाएं, और अगर आपको ये पसंद आए तो बताएं मेरे चैनल के साथ क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।